जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आप जो पहले अभ्यास त्राटक के पूर्ण कर चुके हैं, जब आप सूर्य और चंद्रमा पर आपकी दृष्टि स्थिर हो जाए, तो उसके बाद आपको अपनी दृष्टि का परीक्षण कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो पहला परीक्षण है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, और साथ में ही वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। क्योंकि अगर वी स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी या फिर जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी, तो इसलिए स्किप बिल्कुल ना करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक करें। अब मैं आपको जो हमारा विषय है उस विषय पर हम बात करते हैं कि जो आपका दृष्टि शक्ति का जो परीक्षण है वो आपको कैसे करना है। एक चिकनी आप मेज लेंगे और उस पर एक गोल, बिल्कुल गोल होनी चाहिए, हल्की और चिकनी थोड़ी सी होनी चाहिए, एक छोटी सी गोली रखेंगे, ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, हल्की भी होनी चाहिए थोड़ी और चिकनी भी होनी चाहिए। ये गोली जो है, मतलब आप या तो प्लास्टिक की ले सकते हो या किसी धातु की भी हो सकती है, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हो। तो गोली को तुम्हें मेज के ऊपर इस तरह से रखना है कि वो इधर उधर हिलने डुलने में, मतलब उसे किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। मेज बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गोली को रख देना है और उसके ऊपर अपनी जो दृष्टि है उसको उसके ऊपर गड़ाना है। और दृष्टि को गड़ा करके उसे इधर उधर सरकाने का या फिर हटाने का या लुढ़काने का, इस तरह का आपको संकल्प करना है। और अपने मन में जो आपको भावना रखनी है ना, वो रखनी है कि एक जो महीन तार है बिल्कुल एकदम, वो गोली के एक साइड पे चिपका हुआ है और दूसरा सिरा जो मेरी आंखों से उससे चिपका हुआ है, और दोनों का कनेक्शन जो है उस तार के माध्यम से अपनी जो दृष्टि है उस गोली पर डालें और उस तार के माध्यम से उसको इधर उधर हिलाने का, खिसकाने का प्रयास करें। जैसे कि आपको बाएं तरफ उसको घुमा खिसकाना है थोड़ा, या फिर दाहिनी तरफ लुढ़काना है, या फिर पीछे की तरफ उसको धक्का देना है, या फिर आगे की तरफ खींचना है। तो इस तरीके से आप उस गोली को इधर उधर करने का प्रयास करें। और जैसे ही मतलब तुम उस पर दृष्टि डालोगे ना अपनी, तो वो आगे पीछे की तरफ हिलने डुलने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले अभ्यास किए हैं उन अभ्यास के कारण तुम्हारी आंखों के अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार उस गोली को इधर उधर हिला डुला सकते हो, तो वो गोली हरकत करने लगेगी। जब वो गोली हरकत करने लगे, यदि इधर उधर वो डोलने लगे, घूमने फिरने लगे, तब इस प्रयोग को, इस परीक्षण को सफल समझना चाहिए कि हाँ, ये परीक्षण सफल हो गया है और मेरी आंखों में शक्ति आ गई है। और इसी पर ही एक दूसरा प्रयोग भी आपको करना है। जो दूसरा परीक्षण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं ना, दीवार पे एक छिपकली होती है, छिपकली जो है दीवार पे रेंगती हुई चलती है, या फिर गिरगिट होता है कोई भी, तो वैसे छिपकली पे ठीक रहेगा। तो छिपकली आपको जो है दीवार पे चिपकी हुई है, और उस पर क्या करेंगे आप, उस पर अपनी दृष्टि को जमाना है। और जो क्रिया तुमने ये गोली पर की है, उसी तरीके से तुम्हें उस पर दृष्टि जमा करके और अपनी जो संकल्प शक्ति है उसके, उसी की गोली की तरह ही उसको आगे पीछे इधर उधर हिलाने डुलाने का प्रयास करना है। और जब तुम उसको इधर उधर हिलाने डुलाने का प्रयास करोगे ना, तो वो
हिलडुल जाएगी इधर उधर। अगर आप सोचेंगे कि ये पीछे जाए तो वो पीछे की तरफ जाएगी, आप सोचेंगे कि ये आगे की तरफ जाए तो ये आगे की तरफ जाएगी। मतलब कि वो जिधर आप चाहेंगे वो उधर ही आने जाने खिसकने लगेगी। आपकी आंखों में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी तीव्रता आ जाएगी, क्योंकि जो आपने पहले अभ्यास किए हैं ये सब उनके कारण होगा। और एक चीज़ और भी है, लेकिन आप उस चीज़ को मत करना कि अगर आप चाहेंगे तो वो छिपकली मर भी जाएगी, क्योंकि ये आँखों की शक्ति है और इसमें बहुत तीव्र शक्ति होती है त्राटक में भी। तो जैसे आप उसको आगे पीछे करेंगे, और अगर आप उसको मार भी सकते हैं, मतलब व्रत भी कर सकते हैं उसको, लेकिन एक जीव की हत्या हो जाएगी। तो अपने परीक्षण के लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि विद्या जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जीव हत्या मत करना। आपको क्या करना है, सिर्फ उसको आगे पीछे हटा करके इधर उधर घुमा करके वो चीज़ आपको करनी है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि मेरी दृष्टि पूर्ण रूप से मैस्मरिज्म में बिल्कुल मुझे पूर्ण शक्ति प्राप्त हो गई है, यानी त्राटक का मेरा अभ्यास पूर्ण हो गया है। और जब ये परीक्षण भी तुम्हारा सफल हो जाए ना, तो तब तुम्हें समझना चाहिए कि जो मेरी भेदने की दृष्टि है ना, वो पूर्ण रूप से उसमें मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। और इसके बाद फिर आपको पास देने की प्रक्रिया का अभ्यास करना है, मतलब हाथों की, जैसे कि आपका हस्त संचालन होता है ना उसमें मैस्मरिज्म में, तो उसको आप पास देने की जो भी प्रक्रिया है उंगलियों के हाथों के द्वारा, तब आप उस चीज़ का अभ्यास, आगे की जो क्रिया है उसका अभ्यास करना है। फिर आपको यहाँ तक आपकी दृष्टि जो है वो उसमें शक्ति आपको मिली है, यानी त्राटक में आपको पूर्ण सफलता मिल गई है, ये आपको समझ लेना चाहिए यदि आप ये परीक्षण करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बात कि देखिए, कोई भी शक्ति है उसका दुरुपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो तो उसका कर्म का दंड आपको यहीं पर भुगतना पड़ेगा। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कर्मों का दंड तो मिलना है, जो हम जैसा करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा। अब वो भरना यहाँ पड़े या फिर अगले जन्म में पड़े या फिर कुछ दिन बाद भरना पड़ जाए, वो बात अलग है कि वो भगवान, वो प्रभु कब हमें दंड उसका दे देते हैं ये हम नहीं जानते, वही जानता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी पर भी इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, गलत कार्यों में यूज ना करें। इससे आप पूर्व जन्म भी जान सकते हो किसी का, लिटा करके उसे गहरी नींद में सुला सकते हो। गहरी नींद में सुलाने के बाद उसको आप जो भी निर्देश दोगे वो अपने बारे में पूर्ण रूप से सत्य बताएगा। अगर आप कहोगे कि आप अपने पूर्व जन्म में जाइए, तो वो अपने पूर्व जन्म में भी जाएगा उसी नींद में, और वहाँ पर आपको जो जो क्रियाएँ, जो जो काम उसने किए हैं उन सबको बताएगा। और अगर वो कोई झूठ भी आपसे बोल रहा है पहले, मतलब कि जागती अवस्था में आपसे कुछ उसने झूठ बोला है, तो आप सच उगलवा सकते हैं उससे इस तरीके से। ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत ही अच्छी और साइंटिफिकल जो है, मतलब जिसको कहते हैं, वो एक अलग ही विद्या है। ये साइंस के तरीके से भी अंग्रेज़ों ने भी इसको यूज़ किया है और हमारे ऋषि मुनियों से ही लिया है, तो इसको अलग नाम दे दिया गया। इन्होंने हिप्नोटिज्म नाम दे दिया, या फिर इन्होंने जो है मैस्मेरिज्म दे दिया इसको, लेकिन वास्तविकता में ये सब हिंदुस्तान से ही इनका जनक है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनि ही इन सब विधियों के जनक हैं, और त्राटक इसका नाम कहा गया है, जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये नाम दिया है। तो अब जो आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो हस्त जो इसके पास देने की प्रक्रिया है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे हम पास दे सकते हैं इसको। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और मेरे साथ बोलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए,
और बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।